dear students in this module we are going to discuss family as an institution in the history family has been an important social institution throughout the human history but the form and function of families have varied widely across time and cultures family wo major institution jo across history across time and space किसी भी माशरे के अंदर किसी भी टाइम स्पेस के अंदर आपको फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है मौजूद नज़र आएगा हिस्टोरिकली फैमिली जो है वो रेलिटिवली सिंपल थी उसके अंदर जो डिवेन ऑफ लेबर थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आ, जिस तरह से हम आज मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर फैमिली के इंस्टीट्यूशन को देखते हैं शायद फैमिली जो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर या प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ के अंदर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसका वजूद हमेशा से रहा है इन प्री इंडस्ट्रियल एरा फैमिलीज़ वर आफ्टर एक्सटेंडेड मल्टा जनरेशनल यूनिट दैट लिव्ड एंड वर्कड टुगेदर इन स्मॉल रूरल कम्यूनिटीज़ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ थी और उनका हैवी रिलायंस जो है वो फूड प्रोडक्शन के ऊपर होता था तो वहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं उनकी नेचर एक्सटेंडेड होती थी रिश्तेदार जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर एक ही घर में या एक ही कम्युनिटी के अंदर मिलजुल के रहते थे और उनकी बहुत सी जनरेशनस जो हैं वो मिल के एक फैमिली का तस्वुर पैदा करती थी और बाज़ इंस्ट बाज़ कम्युनिटीज़ के अंदर जो फ़ैमिली का इंस्टीट्यूशन है उसमें जो रिलेशनशिप्स की नेचर है वो भी मुख्तफ होती थी बन इसके कि जैसे हम आज की सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन फैमिलीज बिकेम स्मॉलर एंड मोर न्यूक्लियर इन फॉर्म विद लेस रिलायंस ऑन एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्कस मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रलाइजेशन के आने के बाद हम देखते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो एक्सटेंडेड से न्यूक्लियर की तरफ जो है मूव ऑन हुई उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि आ, लोगों को जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट की खातिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था तो बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं था कि वो एज़ आ कम्प्लीट या होल फैमिली जो है वो एक ही यूनिट के अंदर एक ही घर के अंदर रह सके क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर ये इंडस्ट्रलाइज इं, इंडस्ट्रीज़ होती थी तो इन अर्बन एरियाज़ में जो हाउसिंग स्ट्रक्चर्स होते थे वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल होते थे जिसमें के सिंगल या न्यूक्लियर फ़ैमिलीज़ ही समा सकती होती थी तो आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि रूरल एरियाज़ की नस्बत अर्बन एरियाज़ के जो हाउसिंग uh, पैटर्न या हाउसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेलिटिवली स्मॉलर होते हैं और उनके अंदर जो फैमिली पैटर्न होते हैं वो भी न्यूक्लियर होते हैं सो फैमिली स्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो क्लोजली लिंक टू एक्नॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स सच एज़ स्लेवरी और फ्यूडलिज़म तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर जो चूँकि डिवे ऑफ लेबर जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती थी स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी सारे लोग जो हैं वो रिलेटिवली मल्टाईटास होते थे और डवेन ऑफ लेबर स्पेशलाइज्ड स्किल्स के ऊपर बेस नहीं करती थी बल्कि ज़्यादातर जेंडर बेस्ड डिवेन ऑफ लेबर होती थी जिसमें कि ख़वातीन जो हैं वो घर के अंदर मौजूद जो काम थे उनकी ज़िम्मेदारी लेती थी और जो मर्द होते थे वो घर के बाहर या जो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ होती थी उनको लुक आफ्टर करते थे पेट्रीआरकी वाज अ कॉमन फीचर ऑफ़ मैनी हिस्टोरिकल फैमिली सिस्टम्स विद मैन होल्डिंग मोस्ट ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी विद इन द फैमिली तो चूँकि नान नफके का जिम्मेदार जो है वो मर्द होता था ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर इसलिए हाउस हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड भी जो है उसी को कंसिडर किया जाता था और यही वजह है कि थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री पैट्रियार्की ही जो है वो एक डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर के तौर पे रही है हाँ क्या ये पैट्रियार्की जो है ये फंक्शनल थी या काउंटर प्रोडक्टिव रही है इसके हवाले से बहुत डिबेटेबल uh, एस्पेक्ट्स हैं और uh, पर्टिकुलरली जब हम इसको फेमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर जो है वो एक क्रिटिकल गेज होती है लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट थ्रेटिकल परस्पेक्टिव से देखें कि क्या पेट्रियार्की जो है वो हमेशा से काउंटर प्रोडक्टिव रही है तो शायद ऐसा नहीं है पेट्री अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स या अपने कल्चरल कॉन्टेक्स के अंदर उसी तरह से फंक्शनल थी जैसे आज जेंडर इक्वालिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में हमें फंक्शनल नज़र आती है तो फैमिली के इस यूनिट के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ हिस्टोरिकली पैदा हुई हैं कि जिसमें में हाउस होल्ड का हेड कौन होगा जैसे आपके इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आने वाली तब्दीलियों की वजह से जो जेंडर बेस्ड डिवेन ऑफ लेबर है वो तब्दील हो गई है एजुकेशन सिस्टम की ज़िम्मेदारी जो है वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ने ले ली है और इसके साथ साथ जो आपका हाउसिंग पैटर्न या हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने भी आपके फैमिली यूनिट के ऊपर जो है वो एक असर मुरतब किया है सो फैमिली लाइफ वाज ऑफ्टन क्लोजली लिंक्ड टू रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस विद मैरिज एंड चाइल्ड रीडिंग व्यूड एज सेक्रेट एंड सोशली नेसेसरी तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के अंदर फैमिली का जो सबसे बड़ा एम गोल या मकसद होता था वो होता था बच्चों की अच्छी परवरिश करना और उनकी शादियाँ करना और इसके साथ साथ जो है उनके लिए सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज पैदा करना लेकिन आज हम देखते हैं कि फैमिली का शायद ये महज ये मकसद नहीं रहा आ, इसके साथ इसके अलावा जो है उनके लिए रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर एजुकेशन को अहमियत देना और उनके लिए पॉसिबल अपर्चुनिटीज़ टू एक्सेल इन द सोसाइटी पैदा करना भी आज के माशरे में फैमिली के इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका है